Hello students, today we are going to start the new chapter of class 8 science, and this is the chapter number 18, and the name of the chapter is pollution of air and water. So today in this video we are going to introduce this chapter and we will see what is pollution and what are the different aspects of pollution. So let's start. So your book is saying that pollution was not much of a problem in the past as the earth's natural mechanism took care of the waste generated. Okay, your book is saying that pollution जो है वो past के days में पहले के दिनों में बहुत बड़ा कोई problem नहीं था, क्योंकि जो earth का natural mechanism था वो खुद ही क्या करता था, वो जो भी waste जेनरेट होता था आफ्टर डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो अर्थ का जो नेचुरल मैकेनिज़म था वो खुद ही उस वेस्ट को डिकम्पोज कर लेता था, यूज्ड अप कर लेता था, ठीक है. और पहले द पॉपुलेशन वाज लेस एंड द अर्थ कुड सस्टेन द लोड ऑफ पोल्यूशन, ठीक है. और पहले जो है 50-60 साल पहले और कुछ सालों पहले क्या था, पहले पॉपुलेशन जो थी, दुनिया की जो जनसंख्या थी वो भी क्या थी, काफ़ी कम थी. तो अर्थ के ऊपर इतना ज़्यादा लोड ऑफ पोल्यूशन नहीं था. हाउएवर विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी एंड द राइज इन पॉपुलेशन, पोल्यूशन हैज़ नॉट ओनली इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड बट इट्स नेचुरल नेचर हैज़ चेंज ट्रिमेंडसली, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुई, पॉपुलेशन राइज हुई, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ी लोगों की, तो पोल्यूशन भी क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. एंड जो पोल्यूशन का नेचर है वो भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया. द कॉम्प्लेक्स पोल्यूटेंट्स नाउ क्रिएटेड आर हाईली टॉक्सिक एंड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. जो पोल्यूटेंट्स हैं, मीन्स जो भी कॉजेटिव एजेंट हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, नाउ दे आर वेरी टॉक्सिक, आजकल वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस एंड टॉक्सिक हैं, और उनको डिस्पोज करने के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. तो आखिर में पोल्यूशन है क्या, व्हाट इज़ दिस पोल्यूशन. तो पोल्यूशन क्या है, अनडिज़ायरेबल चेंज, ठीक है. पोल्यूशन इज़ नथिंग बट अनडिज़ायरेबल चेंज इन आवर सराउंडिंग, ठीक है. हमारे सराउंडिंग में जब कोई अनडिज़ायरेबल चेंज होता है तो हम उसको पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं वो क्या है, एयर है, वाटर है, सॉयल है, ठीक है. तो जब एयर, वाटर या सॉयल में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाता है, ठीक है, ऐसा चेंज जो आपको नहीं चाहिए, ऐसा चेंज जो आपको नुकसान देने वाला है, ठीक है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, या ऐसा चेंज जो हमारे नेचर को हार्म पहुंचाने वाला है, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है. जिस उस चेंज से क्या होगा, लिविंग बीइंग को, नॉन लिविंग थिंग्स, सारी चीज़ों के, हमारे नेचर में जो लिविंग बीइंग्स हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, उस चेंज की वजह से जो है क्या होगा, सबको हार्म पहुँचेगा, सबको नुकसान पहुँचेगा. तो इसी को हम पोल्यूशन बोलते हैं. कोई हमारे सराउंडिंग में जब कोई अनडिज़ायरेबल चेंज हो और जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो, कोई फ़ायदा नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज. चेंज देखिए किस चीज़ में चेंज हो रहा है. मान लीजिए आप एयर की बात करते हैं, तो एयर के फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा, ठीक है. मान लीजिए आप वाटर की बात करते हैं, तो वाटर के फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा. आप सॉयल की अगर बात करते हो, तो सॉयल के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आएगा, और ऐसा चेंज होगा जो हार्म क्रिएट करेगा, ठीक है. नाउ जैसे आपको पता है कि हमारा जो एयर है, ठीक है, उसकी एक कंपोजिशन है, ठीक है, उसमें जो है वो फिक्स्ड अमाउंट परसेंटेज ऑफ गैसेस हैं, ठीक है. आपको पता है कि 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड ये सारी जो कंपोजिशन है, एयर का जो कंपोजिशन है वो एक क्या आइडियल है, ठीक है. आइडियल कंपोजिशन जो है वो क्या, आइडियल कंपोजिशन ऑफ एयर क्या करता है, इट सस्टेन द लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है. ये लाइफ की सस्टेनेबिलिटी में मदद करता है. लेकिन जब आइडियल कंपोजिशन, चाहे एयर का, वाटर का या सॉयल का, जब चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, देयर विल बी सम
बैड इफ़ेक्ट, उसका कुछ ना कुछ बैड इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। अब देखिए, पोल्यूशन नेचुरली भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। एयर, वाटर एंड सॉयल के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो सकते हैं, नेचुरल वे में भी हो सकते हैं और इंसानों की एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आप पोल्यूशन को दो पार्ट में, दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। एक तो नेचुरल पोल्यूशन और दूसरा मैन मेड पोल्यूशन। सो नेचुरल पोल्यूशन क्या है? नेचुरल पोल्यूशन मींस कोई ऐसा चेंज आपके सराउंडिंग में, एयर वाटर या सॉयल में ऐसा चेंज आता है जो नेचुरल नेचुरली हुआ है, जो नेचर के द्वारा हुआ है, ठीक है। उसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, जो वोल्केनोज में इरप्शन होता है, तो उसमें से आप जानते हो वोल्केनिक इरप्शन से बहुत सारे स्मोक्स, गैसेस, सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, जो एयर में, वाटर में मिक्सअप होते हैं और उसमें चेंज लाते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। इमिशन ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, बहुत सारी जगहों से ज़मीन के अंदर से नेचुरल गैस निकलती हैं। जैसे आपको पता है मार्श, मार्श एरिया जो होते हैं, दलदल होते हैं, वहाँ से मेथेन गैस निकलती है, CH4, ठीक है, नेचुरली वो निकलती है, उसमें इंसानों का कोई रोल नहीं है। सॉयल इरोजन, नेचुरल वे में जो सॉयल का इरोजन होता है। यूवी रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो सन से अर्थ पर आती हैं। कॉस्मिक रेज, जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं इन द स्पेस, वो रेज एमिट करते हैं, ठीक है। तो वो इन अर्थ के एनवायरनमेंट में आती है। डस्ट स्टॉर्म, हवाओं के चलने से धूल की आंधियां चलती हैं। फॉरेस्ट फायर, गर्मियों में आप सुनते होंगे कि जंगल में अपने आप जो है वो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। तो ये सारे रीज़न क्या है, इस आग लगने से स्मोक निकलता है, ठीक है। ये तो ये सारे रीज़न्स क्या है, नेचुरल है, नेचुरली अकरिंग रीज़न्स हैं। इसमें इनमें मैन मेड कोई मैन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए टाइप ऑफ पोल्यूशन क्या है, मैन मेड पोल्यूशन। मैन मेड पोल्यूशन क्या है, मीन्स द पोल्यूशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के काम, कुछ ऐसे वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो उसको हम मैन मेड पोल्यूशन बोलेंगे। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, आप जानते हो, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है फॉसिल फ्यूल के बारे में, कोल एंड पेट्रोल के बारे में। तो कोल एंड पेट्रोल को जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है, लॉट्स ऑफ गैसेस, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, लाइक CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस उसमें से निकलती हैं जो एयर में मिक्सअप होकर उसकी आइडियल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं। डिफॉरेस्टेशन, आप जानते हो हम जंगलों को काटते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वॉट, कटिंग द ट्रीज़ ऑन अ लार्ज स्केल। तो हम जंगलों को काटते हैं, जंगल कटने से क्या होता है, सॉयल इरोजन होता है और वहाँ पे जो है हम हैबिटेट को, नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं। एंड जो है जंगल कम होने से क्या होता है कि जो वहाँ पे आपको पता है पेड़ पौधे जो होते हैं वो पोल्यूशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एयर को, पोल्यूटेड एयर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमें फ्रेश एयर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। माइनिंग, हम खादानों में से हम क्या करते हैं, ज़मीन को की खुदाई करके हम मिनरल्स निकालते हैं, लाइक कोल एंड मेटल्स वगैरह, सारी चीज़ें निकालते हैं। तो माइनिंग के थ्रू भी हम क्या करते हैं, पोल्यूशन उस, क्योंकि माइनिंग करते हैं तो बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस, एंड सॉयल इरोजन भी होता है, ठीक है, रेज भी वहाँ से निकलती हैं। सीवेज वेस्ट, जो हमारा कूड़ा कचड़ा होता है, हम क्या करते हैं, डंप कर देते हैं वाटर में, सॉयल में, लैंड पे। इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ से वेस्ट मटेरियल इफ्लुएंट्स निकलते हैं जिनको हम वाटर में डायरेक्टली डंप कर देते हैं या ज़मीन पे ऐसे डंप कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें पोल्यूशन कॉज करती हैं। सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, हम फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं ना हमारे एग्रीकल्चर खेतों में, ठीक है, अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, दे आर हाईली पॉइजनस। पेस्टिसाइड्स, दे आर टॉक्सिक केमिकल्स दैट वी यूज़ टू किल द पेस्ट, टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स इन द फील्ड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केमिकल्स हैं, क्या होती हैं, दे मिक्स अप इन टू द एयर, वाटर एंड सॉयल, एंड दे चेंज द आइडियल कंपोजिशन ऑफ दैम एंड कॉज द पोल्यूशन, ठीक है। इन सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में मिक्सअप होकर एयर में, वाटर में, सॉयल में मिक्सअप, उनकी आइडियल कंपोजिशन को चेंज कर देती हैं, अनवांटेड चेंज लाती हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं।
नाउ जो भी चीज़ें अनवांटेड चीज़ें जो हमारे हमारे एनवायरनमेंट में मिक्सअप होती हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं, तो उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। ठीक है, तो वो एजेंट्स, वो सारी चीज़ें जो अनवांटेड हैं, जो हार्मफुल हैं, और हमारे सराउंडिंग में, हमारे एयर में, वाटर में, सॉयल में क्या हो रही है, मिक्स हो रही हैं, और हमारे सॉयल, वाटर, एयर को क्या करी, कंटामिनेट कर रही हैं, तो उनको, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो हम भी कहाँ जो हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जरूर निकलता है या उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है, तो वही सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको डंप कर देते हैं एयर में, वाटर में, सॉयल में, तो उस वही क्या करते हैं, दे फर्दर कॉज द पल्यूशन, समटाइम्स इवन क्रिएटेड बाई नेचर इटसेल्फ। कुछ पोल्यूटेंट जो नेचर में खुद भी प्रोड्यूस होते हैं, बट वी विल नॉट फोकस देयर। हम जो है मैन मेड पोल्यूशन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि आपको जानना है मैन मेड पोल्यूशन के रीज़न, इफेक्ट एंड कंट्रोल ही आपको पढ़ना है बेसिकली इन दिस चैप्टर। तो पोल्यूटेंट क्या हुए, पोल्यूटेंट वो हार्मफुल अनवांटेड सबस्टेंस हुए जो क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे, पोल्यूटेंट्स। तो अब ये देखिए, पोल्यूटेंट्स जो हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। तो जैसा कि आप जानते हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो नेचुरली इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, फिनिश ऑफ नहीं होंगे। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे कि हैवी मेटल्स होते हैं, मरकरी या सॉल्ट, ये सब पेस्टिसाइड जैसे कि DDT। ठीक है, ये जो है दे डू नॉट डिग्रेड, और दे डिग्रेड एक्सट्रीमली स्लोली इन नेचुरल इन्वायरमेंट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, नेचुरली आप जानते हो डिग्रेडेशन कैसा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, तो या तो ये नेचुरली डिग्रेड ही नहीं होते हैं, या फिर बहुत ही धीरे धीरे होते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली स्लोली। तो इसकी वजह से क्या होता है, दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में बहुत दिनों तक रह जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, और दे कॉज अनवांटेड चेंज इन देम। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का। आपको पता है प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होती है, क्या नेचुरली डिकम्पोज नहीं होती है, और ये जो है कई सौ साल तक ये इन्वायरमेंट में पड़ी रहती है। ठीक है, आप इसको अगर जला देते हो तो इसमें से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, अगर आप सॉयल में डंप कर देते हो तो कई सौ सालों तक ऐसे पड़ी रहती है, आप पानी में डाल देते हो तो पानी में जाके वो पड़ी रहती है। ठीक है, पॉलीथीन के बैग्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स आप केमिकल्स यूज़ करते हो, आयरन नेल, ठीक है, मेटल्स जो होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, फाइबर्स से हम कपड़े बनाते हैं, वो सारे ग्लास, शीशों की बनी चीज़, लेड, आर्सेनिक, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, कई कई सालों तक, सौ सालों तक, तो काफ़ी चीज़ें, जो जैसे ये आयरन है कई सौ साल तक एज इट इज़ पड़ा रहता है। आपने सुना भी होगा कि जब लोग खुदाई करते हैं तो कई सौ साल पहले के जो है वो आयरन की, मेटल की बनी हुई चीज़ें हमको मिलती हैं एज इट इज़, वो ऐसी ही पड़ी होती हैं। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे मटेरियल जो नेचुरली डिग्रेड नहीं होंगे या तो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे डिग्रेड होंगे, तो आप उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलोगे। ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज एग्जांपल, आपको एग्जांपल याद रखना है। बायोडिग्रेडेबल क्या हुए, वो चीज़ें जो क्या हो, नेचर में क्या हो जाएंगी, डिकम्पोज हो जाएंगी आसानी से, जल्दी से। ठीक है, एंड जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे और डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि आपका डोमेस्टिक वेस्ट, आपके घरों से जो कचड़े निकलते हैं, ठीक है, लाइक यूरिन, फीकल मैटर, ठीक है, जो आपके टॉयलेट से जो सीवेज मटेरियल निकलता है, आपके किचन से जो सीवेज निकलता है, एग्रीकल्चरल रेजिड्यूज, ठीक है, पेपर, वुड, क्लोथ, कैटल डंग, कंपोस्ट, एनिमल बोन्स, लेदर, टी लीव्स, दीज थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल, दे कैन बी डिग्रेडेड बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली एंड वेरी रैपिडली। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द इन्वायरमेंट में क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज होकर ख़त्म हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोल्यूटेंट्स एंड पोल्यूशन। सो अभी हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, एंड वी विल टॉक अबाउट द एयर पोल्यूशन। सो टिल देन, थैंक यू।